आप देख रहे हैं द नेटिजन न्यूज अर्चना के साथ। ज्ञानवापी केस में वाराणसी कोर्ट ने हिंदू पक्ष की दलीलें मानी, कहा केस सुनने लायक है। 22 सितंबर को होगी अगली सुनवाई। फिलहाल शहर में हाई अलर्ट धारा 144 लागू कर दी गई है। ज्ञानवापी मस्जिद में हिंदुओं का तर्क है कि औरंगजेब ने मस्जिद मंदिर को तोड़कर ज्ञानवापी मस्जिद बनवाई थी, जबकि वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम की दलील है कि यह वक्फ प्रॉपर्टी नाम शाही मस्जिद आलमगीर है। आपको बताते चलें कि वाराणसी के ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी विवाद में आगे सुनवाई जारी रहेगी। वाराणसी जिला कोर्ट ने कहा कि यह केस सुनने लायक है। फिलहाल विश्व वैदिक सनातन संघ के प्रमुख जितेंद्र सिंह विसेन ने जानकारी दी कि कोर्ट ने हिंदू पक्ष की दलीलें मानी हैं और मुस्लिम पक्ष की आपत्तियों को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने 22 सितंबर को इस मामले की अगली सुनवाई करने की बात कही है। कोर्ट के फैसले के दौरान हिंदू पक्ष के वकील हरिशंकर जैन और विष्णु शंकर जैन कोर्ट में मौजूद थे। हालांकि मुख्य याचिकाकर्ता राखी सिंह कोर्ट में मौजूद नहीं थी। कुल 62 लोगों को कोर्ट रूम में मौजूद रहने की इजाज़त दी गई थी। ज्ञानवापी मस्जिद के कैंपस में मौजूद श्रृंगार गौरी मंदिर में पूजा की अनुमति देने वाली याचिका पर 24 अगस्त को हिंदू और मुस्लिम पक्ष की बहस पूरी हो गई थी। इसके बाद वाराणसी के जिला जज AK विश्वेश ने 12 सितंबर यानी आज तक के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया था। शहर में हाई अलर्ट फिलहाल जारी है, धारा 144 लागू कर दी गई है। वाराणसी के पुलिस आयुक्त A. सतीश गणेश ने फैसले से पहले बताया था कि शहर के संवेदनशील इलाकों में धारा 144 लागू है। शहर में हिंदू मुस्लिमों की मिलीजुली आबादी वाले इलाकों में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। पुलिस ने कुछ इलाकों में बीती रात से ही गश्त बढ़ा दी थी ताकि आदेश के बाद कानून व्यवस्था के हालात किसी तरह ना बिगड़े। फैसले के मद्देनज़र पूरे शहर को हाई अलर्ट पर रखा गया था। सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग की जा रही थी। जिला अदालत परिसर में खास चौकसी बरतते हुए बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड भी तैनात किया गया था। 5 हिंदू महिलाओं ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में मौजूद हिंदी देवी देवताओं की पूजा की अनुमति मांगी थी। इन महिलाओं ने खास तौर पर श्रृंगार गौरी की हर दिन पूजा करने की इजाज़त चाही थी। कोर्ट के आदेश पर मस्जिद ने सर्वे भी किया गया था। सर्वे के बाद हिंदू पक्ष ने दावा किया था कि मस्जिद के तहखाने में शिवलिंग मौजूद है, जबकि मुस्लिम पक्ष ने इसे फव्वारा बताया है। केस में अब तक क्या हुआ इस बारे में भी बात करते हैं। 18 अगस्त 2021 को 5 महिलाएं ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में मां श्रृंगार गौरी, गणेश जी, हनुमान जी समेत परिसर में मौजूद अन्य देवताओं की रोजाना पूजा की इजाज़त मांगते हुए कोर्ट पहुँची थी। अभी यहाँ साल में एक बार ही पूजा होती थी। इन 5 याचिकाकर्ताओं का नेतृत्व दिल्ली की राखी सिंह कर रही थी। बाकी 4 महिलाएं सीता साहू, मंजू ब्यास, लक्ष्मी देवी और रेखा पाठक बनारस की ही हैं। 26 अप्रैल 2022 को वाराणसी सिविल कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में श्रृंगार गौरी और अन्य देव विग्रहों के सत्यापन के लिए वीडियोग्राफी और सर्वे का आदेश भी दिया था। हिंदुओं का तर्क है कि औरंगजेब ने मंदिर तोड़कर ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण करवाया था। मान्यता है कि 1669 में औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर का एक हिस्सा तोड़कर ज्ञानवापी मस्जिद बनवाई थी। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि 14वीं सदी में जौनपुर के शर्की सुल्तान ने मंदिर को तुड़वाकर ज्ञानवापी मस्जिद बनाई थी। कुछ मान्यताओं के अनुसार अकबर ने 1585 में नए मजहब दीन ए इलाही के तहत विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद बनवाई थी। मस्जिद और विश्वनाथ मंदिर के बीच 10 फीट गहरा कुआं है जिसे ज्ञानवापी कहा जाता है। इस कुएं के नाम पर मस्जिद का नाम पड़ा। स्कंद पुराण में कहा गया है कि भगवान शिव स्वयं लिंगाभिषेक के लिए अपने त्रिशूल से ये कुआं बनाया था। शिव जी ने यहाँ अपनी पत्नी पार्वती को ज्ञान दिया था, इसलिए इस जगह का नाम ज्ञानवापी या ज्ञान का कुआं पड़ा। किंवदंतियों या आम जनमानस की मान्यताओं में यह कुआं सीधे पौराणिक काल से जुड़ता है। मुस्लिम पक्ष की दलीलें हैं कि मस्जिद कमेटी की जवाबी बहस 22 अगस्त को लगातार जारी है। मुस्लिम पक्ष ने कहा कि वर्ष 1936 में वक्फ बोर्ड का गठन हुआ था। वर्ष 1944 के गजट में यह बात सामने आई थी कि ज्ञानवापी मस्जिद का नाम शाही मस्जिद आलमगीर है। संपत्ति शहशाह आलमगीर यानी औरंगजेब की थी। वक्फ करने वाले के तौर पर बादशाह आलमगीर का नाम दर्ज था। इस तरह से बादशाह औरंगजेब द्वारा 1400 साल पुराने शरई कानून के तहत वक्फ की दान की गई संपत्ति पर वर्ष 1669 में मस्जिद बनी और तब से लेकर आज तक वहां नमाज पढ़ी जा रही है। इसके अलावा 1883-84 में अंग्रेजों के शासनकाल में जब बंदोबस्त लागू हुआ था तो सर्वे हुआ और अराजी नंबर बनाया गया। अराजी नंबर 9130 में उस समय भी दिखाया गया था। वहाँ मस्जिद है, कब्र है, कब्रिस्तान है, मजार है, कुआं है। पुराने मुकदमों में भी यह तय हो चुका है कि ज्ञानवापी मस्जिद वक्फ की प्रॉपर्टी है। सरकार भी इसे वक्फ प्रॉपर्टी मानती। इस वजह से काशी विश्वनाथ एक्ट में मस्जिद को नहीं लिया गया।
वर्ष 2021 में मस्जिद और मंदिर प्रबंधन के बीच जमीन की अदला बदली हुई, वह भी वक्फ प्रॉपर्टी मानकर ही की गई, इसलिए मां श्रृंगार गौरी का मुकदमा सिविल कोर्ट में सुनवाई योग्य नहीं है फिलहाल के लिए।